अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ नवीद, काशिफ अकेडमी डॉट कॉम की जानिब से। और आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कुछ नया लेके आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लाए हैं आज हमारे लिए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि आप लोग अपना YouTube का चैनल किस तरीके से सेल कर सकते हैं। यानी आप लोग अपने YouTube के चैनल से अब अर्निंग करने का जो फार्मूला था, अब वो फास्ट हो गया। यानी अब आप लोग अपना जो चैनल है उसे सेल भी कर सकते हैं। तो वो कैसे सेल करना है, उसके कुछ शराइत हैं, मैं उन सब पर तफसील से बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक साइट का नाम बता दूँ, सही है? YouTube चैनल लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ये वायरल अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, ये viralaccount.com, सही है? आप लोगों ने जस्ट इसमें साइन इन होना है। यहाँ से आप लोग अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से फिर साइन होंगे, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो आप कॉन्टैक्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने सच में यहाँ से यूट्यूब का चैनल वाकई में सेल करना है, तो आप लोगों ने इसे कैसे करना है ये देखें। इसके लिए जो शराइत हैं वो ये हैं, इट हैज़ मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर, यानी आपके पास कम से कम 10,000 एक्टिव सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके बाद इट इज़ नॉट एडल्ट ओरिएंटेड, यानी इसमें किसी किस्म का भी गैर मयारी मवाद जो है वो नहीं होना चाहिए, सही है? उसके बाद है इट डिड नॉट एक्सेव वन कॉपीराइट स्ट्राइक इन द पास्ट 6 मंथ, यानी इसमें एक भी कॉपीराइट का जो स्ट्राइक है वो नहीं होना चाहिए पिछले 6 महीनों में। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, तभी आपका चैनल जो है वो सेल होगा। उसके बाद है इट हैज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू अदर नेटवर्क, सही है? इसमें किसी किस्म के ऑब्लिगेशन किसी और नेटवर्क से भी नहीं किए हैं, क्योंकि अमूमन यूँ होता है कि जब हम लोग ट्विटर में जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि भाई ट्विटर के व्यूअर्स काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप लोग गैर मयारी मवाद भी पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी आप लोगों ने नहीं करना, यानी आप लोगों ने चैनल से रिलेटेड मवाद ही ऊपर पोस्ट करते जाना है, सही है? उसके बाद द कंटेंट इज़ ओनर्ड बाय द चैनल ओनर, सही है? जो उस चीज़ को सेल कर रहा है वो खुद उस चीज़ का ओनर भी होना चाहिए। ये नहीं कि चैनल मेरा है तो उससे कोई और सेल करे, ये नहीं हो सकता। अगर चैनल मेरा है तो मैं खुद ही उस चीज़ को सेल करूँगा, यानी मैंने आप लोगों से स्टेप बाई स्टेप उधर जाके ये सब बात करनी पड़ती है, सही है? इस तरीके से ताकि वो खुद इससे बात करेंगे। उसके बाद हैं द ओनर इज़ विलिंग टू पार्ट द ईमेल अकाउंट अटैच टू द चैनल, ये तो जाहिर सी बात है आपके जो अकाउंट के पार्ट होते हैं वो ईमेल अकाउंट वो उसके साथ चैनल के साथ अटैच ही होते हैं, सही है? ये तो हमारे पास क्लियर है, सही है? ये भी क्लियर है हमारे पास। उसके बाद ये जो है प्रॉब्लम इसमें है, सही है? ये भी हम लोग नहीं करते ज़्यादातर। और उसके अलावा ये भी अब हमारे पास क्लियर है तकरीबन, सही है? ये भी क्लियर तकरीबन अब क्लियर है। तो उसके बाद अब आप लोग अपना चैनल जो है उससे सेल करने के काबिल हैं अब आपका चैनल। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना वगैरह वगैरह जो भी आपका हो, सही है? आपने वो पुट कर देना। उसके बाद अपने चैनल का यू आर एल मिसाल के तौर पर जिस तरह ये यू आर एल हो गया, सही है? हर किसी मिसाल दे रहा हूँ, ये एक यू आर एल है, सही है? ये सारा आप लोगों ने इसे जस्ट कॉपी कर लेना है इस तरीके से अपने यूट्यूब के चैनल को, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है सिंपली। उसके बाद है एडिशनल क्वेश्चन कमेंट्स, अगर आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हो या कोई कमेंट्स वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। यानी उस चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछना हो, बताना हो, कुछ भी, तो आप कर सकते हैं, सही है? उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने एक आईडी देनी है, सही है? या स्काइप की देते हैं तो फिर यहाँ पर अपनी स्काइप की आईडी देते हैं। फ़ोन नंबर देना है तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर पुट कर देना है। कुछ भी देना है, फेसबुक प्रोफाइल यूआरएल देना हो तो वो दे दें। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर पुट करने के बाद इसे आपने
सबमिट करें, सबमिट योर यूट्यूब चैनल कर देना, सही है। तो इस तरीके से आप लोग अपने यूट्यूब के चैनल को परचेज कर सकते हैं, फिर वो आप लोगों से खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, सही है। ये तरीक़ाकार इस चीज़ का है। अब जो एक और तरीका है वो ये है कि अगर आप लोगों ने कोई चीज़ यहाँ से बाय भी कर सकते हैं, यानी आप लोग यहाँ से कोई चीज़ ख़रीद भी सकते हैं, ये नहीं क्या अपने यहाँ से कोई चीज़ ख़रीदनी कैसे हैं वो मैं आपको बता दूँ। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर आपको यूट्यूब का चैनल चाहिए तो आप जस्ट जस्ट यूट्यूब के चैनल में जाएंगे, सही है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने कंपनी का नाम बता देना, सही है। जो भी आपकी कंपनी का नाम हो वो आपने बता देना है, या जिस नाम से रिलेटेड आपको चैनल चाहिए वो बता देना है। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है, सही है। और योर बजट, कि आपको कितने बजट का चैनल चाहिए, सही है, वो भी आपने यहाँ पर बता देना है। और उसके अलावा ये आप लोगों के लिए कि अगर आपको किस किस्म का चैनल चाहिए, ये सब पर मतलब वो सारा प्रोसेस आपने बता देना है। अपने सेल्फ के बारे में बता दें कि आप कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कि आपको किस किस्म का चैनल चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए। आपने यहाँ पर सब कुछ ऐड करके उन्हें ईमेल सेंड कर देनी, तो फिर वो आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं सॉरी, वो आपसे खुद फिर कॉन्टेक्ट करेंगे, सही है। तो हर एक चैनल का मायार भी अलहदा से होता है, सही है। जिस तरीके से अब हम लोग 10,000 का जो सब्सक्राइबर का चैनल है वो उसे पर सेल कर रहे हैं, उसके मतलब हमें अपनी अलहदा से अर्निंग मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक अर्निंग ये भी कि जो अर्निंग वो हमें मतलब देंगे उसकी इनकम, मिसाल के तौर पर जैसे कि अब अगर एक 10,000 सब्सक्राइबर वाला है और अच्छी वीडियोज़ हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है उसमें, तो वो आपको अपनी पेमेंट देंगे, मतलब उस चीज़ की कि वो आप जितनी भी उसकी रखते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, सही है। अगर आपको मंजूर हो तो सही है, अगर नहीं मंजूर तो आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो इस तरीके से आप ये काम भी कर सकते हैं, यानी आप अपने YouTube के चैनल को सेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक अच्छी टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।